हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, मिस्र धातु निगम लिमिटेड, इसका आप लोगों का एग्जाम डेट आ चुका है, लिस्ट आ चुका है कितने स्टूडेंट्स को एग्जाम देने का मौका मिलने वाला है, लेकिन इसके सिलेबस को ना तो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियर किया है, ना ही अलग से ऑफिशियल सिलेबस डिस्कस किया है। लेकिन जो भी पिछले पेपर हुए हैं उसके अकॉर्डिंग इसके सिलेबस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के कॉमेंट आ रहे थे, सर इसका सिलेबस जो है क्लियर नहीं है, तो हम लोग थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। एक एक चीज़ को समझिएगा, कंप्लीट चीजें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम लोग मिस्र धातु निगम लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, वहां पर चीजों को क्लियर करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो, मैं मिस्र धातु निगम लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट में हूं। हम लोग बात कर रहे हैं नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट का, जिसको निकाला गया था नवंबर 2023 में। यहां पर यदि हम लोग एडवर्टाइजमेंट को देखने लगे, तो यहां पर यदि हम लोग देखें कौन कौन सी पोस्ट हमारी थी, यहां पर जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनी फिटर की पोस्ट थी, वेल्डर की थी, इलेक्ट्रीशियन की थी, साथ ही साथ सीनियर ऑपरेटिव ट्रेनी मेटलर्जी की पोस्ट थी, मैकेनिकल की पोस्ट थी एंड इलेक्ट्रिकल की पोस्ट थी। दोनों के बारे में हम लोग यहां पर समझ रहे होंगे क्या कुछ इनका जो है सिलेबस वगैरह है। अब यहां पर यदि आप लोग देखोगे, इन्होंने कंप्लीटली डेट एंड टाइमिंग दी हुई है, तो इसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि किस पोस्ट का किस डेट को एग्जाम होने वाला है। तो यहां पर आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट नंबर मिल जाता है, एंड यहां पर नेम ऑफ द पोस्ट मिलेगा, एंड यहां पर रिटन टेस्ट आप लोगों को मिल जाएगा किस डेट में। जैसे कि यदि हम लोग जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनी फिटर की बात करें, 10 मार्च 2024 को आप लोगों का एग्जाम है, यहां पर रिटन टेस्ट का टाइमिंग वगैरह दिया गया है। इसी प्रकार यदि हम लोग अदर का देखें, तो यहां पर आप लोग देखोगे मैकेनिकल का, इलेक्ट्रीशियन का, वेल्डर का, तो सभी आप लोग अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग यहां पर डेट जो है देख सकते हो। ठीक है, ये चीज हम लोगों को क्लियर हो गई। थर्ड, यहां पर कुछ यहां पर पूरा का पूरा लिस्ट दिया है। जैसे कि मैंने एक पोस्ट के लिस्ट को ओपन किया है, ये जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनी फिटर का है, यहां पर कंप्लीटली लिस्ट इन्होंने दी है जो कि रिटन टेस्ट देने के लिए अलाउ कर रहे हैं। अब यहां पर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, यदि हम लोग फिटर में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखने लगे, तो यहां पर यदि आप लोग ये लिस्ट देखते हो, तो यहां पर यदि हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखें, तो यहां पर आप देखोगे 2579 स्टूडेंट्स को इन्होंने अपेयर किया है इस जो है इस एग्जाम के लिए। तो यहां पर आप लोग समझ सकते हो 2500 स्टूडेंट्स एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। एंड यहां पर यदि हम लोग नंबर ऑफ पोस्ट को देखने लगे, तो यहां पर हम नंबर ऑफ पोस्ट को देखें, तो कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, यदि हम लोग फिटर ट्रेड की नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, 13 पोस्ट यहां पर फिटर की हैं। चलिए ठीक है, बाकी ये सारा डेटा आप देख सकते हो। तो यदि आपका इस लिस्ट में नेम है, तो आप डेफिनेटली एग्जाम के लिए आपको मौका मिलेगा, आप अपने एडमिट कार्ड वगैरह को डाउनलोड कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग कहां पर, हम लोग आते हैं इसके सिलेबस के ऊपर कि एक्चुअल में इसका सिलेबस क्या है। अब देखो, इसका सिलेबस ऑफिशियली ये लोग अनाउंस नहीं करते हैं, पता नहीं डिपार्टमेंट को क्या ही इशू है कि भी ऑफिशियली जो है अनाउंस ही नहीं करते हैं। तो यदि हम लोग इसके सिलेबस की बात करें, तो यहां पर आप लोग देखोगे, पहले थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों को समझ में आना चाहिए, तो थोड़ा सा हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस पर चलते हैं, जहां पर हम लोग चीजें क्लियर करते हैं। यदि यहां पर हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस देखें, तो यहां पर समझिएगा रिटन टेस्ट जो होगा वो आप लोगों का 85 मार्क्स का होगा, यानी कि इसमें जो वेटेज होगा वो 85% वेटेज होगा। आपका क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का होगा, लेकिन वहां पर जो आपका वेटेज लिया जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस में, वो 85% वेटेज लिया जाएगा। तो 15% वेटेज आप लोगों का क्वालिफाइंग से लिया जाएगा। तो ये चीज क्लियर है, ये तो मैं एडवर्टाइजमेंट में भी क्लियर किया था। अब यहां पर समझिएगा, जो आपका रिटन टेस्ट होगा 100 मार्क्स का होगा, उसमें 90 मिनट का समय मिल रहा होगा, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आप लोगों का नहीं है। अब यहां पर एक चीज समझिएगा, क्या चीज आप लोगों को समझना है, हम लोग ये 15% की भी साथ में बात कर लेते हैं। इन्होंने बोला 10 मार्क्स फॉर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, 10 मार्क्स तो सभी को मिलना ही है, एंड 2 मार्क्स फॉर एवरी एडिशनल रिलेवेंट क्वालिफिकेशन, जो भी आप लोगों को उससे रिलेवेंट क्वालिफिकेशन है एडिशन, उसमें आप लोगों को 2 मार्क्स मिलेंगे एवरी एडिशनल रिलेवेंट क्वालिफिकेशन के हिसाब से, और ये मैक्सिमम 15 मार्क्स तक जाएगा। तो इस प्रकार ये जो है रहने वाला है, इन्होंने ये चीज क्लियर करी है। अब यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि जो 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, जिसके लिए 90 मिनट का समय मिलेगा, उसमें आप लोगों का कैसे क्या वेटेज रहने वाला है। तो इसमें जो 85 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 100 प्रश्न होंगे, 90 मिनट का समय होगा, 85 प्रश्न आप लोगों के डिसिप्लिन से रहने वाले हैं। जैसे कि यदि आप
लोग जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग फिटर में अप्लाई किए हो तो जो 85 क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों के फिटर ट्रेड थ्योरी से होंगे। आपने जिस भी डिसिप्लिन में अप्लाई किया है आप लोगों के डिसिप्लिन से रिलेटेड आपके 85% क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे, यानी कि 85 प्रश्न वहां से लिए जाएंगे। जो अनादर 15 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, अनादर 15 प्रश्न होंगे, वो जनरल एप्टीट्यूड यानी कि आप लोगों का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन वहां पर पूछा जा रहा होगा, जनरल इंग्लिश का, जनरल नॉलेज का एंड रीजनिंग का, ये सभी से मिला के जो 15 क्वेश्चन आप लोगों के आ रहे होंगे। तो कुछ इस प्रकार ये वेटेज रखते हैं जैसा कि पिछले एग्जाम में एक्चुअल में इन्होंने रखा था। तो यही वेटेज डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए रहता है, सेम वेटेज आईटी स्टूडेंट्स के लिए रहता है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फॉर्म को फिल किया है, चाहे आप लोगों ने जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग फिटर में अप्लाई किया हो, वेल्डर में अप्लाई किया हो, इलेक्ट्रीशियन में अप्लाई किया हो, तो जिस ट्रेड में आपने अप्लाई किया है उस ट्रेड से रिलेटेड आपके 85 क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे, राइट। तो बहुत अच्छा है यदि 85% वेटेज आपको अपने डिसिप्लिन से मिलता है तो डेफिनेटली ये अच्छा मौका है, कोई भी इशू की यहां पर बात नहीं है, राइट। तो ये चीज आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। बाकी सारी चीजें ऑलरेडी मैंने आप लोगों को क्लियर किया हुआ है जहां पर एडवर्टाइजमेंट की वीडियो बनाया था, लेकिन उन्होंने डिटेल सिलेबस ना ही जारी किया है ना ये करते हैं एक्चुअल में। इससे पिछले रिक्रूटमेंट भी आप लोग देखोगे सिमिलर थिंक है, ये लोग मतलब सीरियस समझते ही नहीं है कि हम लोग एग्जाम पैटर्न वगैरह जो है डिस्क्लोज करें। आई होप पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता है। सो आई होप ऑल चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी, जो एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच सभी स्टूडेंट्स को वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।